तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स। फॉर्मेटिंग ट्रिक्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेल में। देखिए छोटी चीजें हैं बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हम जब कोई रिपोर्ट बनाते हैं उसमें बहुत तरह की फॉर्मूले और बहुत तरह की चीजें लगाते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है फॉर्मेटिंग का। क्योंकि जब तक फॉर्मेटिंग को हम सही से नहीं करेंगे तब तक रिपोर्ट का कोई मायने नहीं रखता है। अब मैं एक्सेल शीट पे आता हूं और मैं दिखाता हूं कि फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है। देखिए इसमें आप अगर एक्सेल शीट खोलते हैं तो यहां पे आपके सामने बहुत सारे होम मेनू बार में बॉर्डर और चीजें हैं, ये आप देख रहे हैं। तो यहां भी जो कलर करना, बॉर्डर करना या बाकी चीजें करना, ये काफी ज्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये चीज आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके जो ट्रिक्स होते हैं वो ट्रिक्स हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे हैं बट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं यहां पे टेंथ लिखता हूं तो टीएच ऊपर चला, टीएच रहता है, लेकिन वर्ड में जो मैं टाइप करता हूं तो ये ऊपर चला जाता है। तो ये ऊपर कैसे जाएगा, इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां सुपर स्थित। ऐसे मान लीजिए 10 डिग्री करना है तो स्मॉल ओ, यहां पे स्मॉल ओ कीजिए और फिर इस स्मॉल ओ को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, यहां पे सेलेक्ट किया, सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर चला गया। ऐसे अगर ये तो चलो ठीक है, वन हमने कर लिया, लेकिन हमारे पास अगर काफी सारे नंबर्स हैं मुझे इसमें लगा दें, तो प्रॉब्लम ये है कि हमें वन बाय वन इसमें जाना होगा। अब चलो ठीक है, मैं वन बाय वन ना जाके मैं यहां पे टाइप ही कर देता हूं, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको डबल क्लिक करके एक पर्टिकुलर करेक्टर को सिलेक्ट करके आपको यहां पे सुपर स्किप करना होगा वन बाय वन। आप अगर आप पूरा सेल सिलेक्ट करके करेंगे तो पूरा सेल ऊपर होगा, पूरा सेल्स ऊपर होगा। इस चीज से बचने के लिए हम एक ट्रिक्स अपनाते हैं। हेलो, दोबारा से ज्वाइन लीजिए, नहीं सेम मीटिंग यानी कल से ज्वाइन किया, एक ही मीटिंग यानी होती है, नहीं दो क्लोज करके ओपन कीजिए, क्लोज करके ओपन कीजिए, मीटिंग आईडी सेम है। इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसको सुपर स्किप कर देते हैं और इसको छोटा करता हूं मैं थोड़ा सा और एक बार इसको सेलेक्ट करके मैं यहां से ऊपर और साइड में कर देता हूं, इसको सिलेक्ट करके यहां पर कर देता हूं। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इसके फॉर्मेट सेल के बॉर्डर में आता हूं, बॉर्डर, और इसके हम ये जो बीच वाला जो बॉर्डर है ना ये नहीं रखेंगे और इसकी बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर देता हूं। क्या बोलना है सर? तो फॉर्मेटिंग का मतलब यही होता है विजुलाइजेशन को चेंज करना।
मतलब कि जरूरी नहीं है कि सेम एक जैसा फॉर्मेट हो, हमने दिखाना उसी तरीके से। समझ में आया क्या जी? यस सर। अब इसी का दूसरा काम करें, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फॉर्म वगैरह डिजाइन करते हैं, फॉर्म वगैरह डिजाइन करते हैं ना कोई, तो मान लीजिए कि हमने यहां पे एक फॉर्म डिजाइन किया हुआ है तो अब जैसे कि आप वेबसाइट में जाते हैं, जैसे यहां देखिए सर्च दिख रहा है ना सर, जैसे क्लिक करते हैं तो गैप जाता है, वो जा रहा है गैप वापस, अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो वापस आ रहा है जी। तो इस तरह के सर्च बार मैं यहां चाहता हूं कि यहां पे नेम लिखा हुआ दिखे, जैसे मैं क्लिक करके नाम लिखने की कोशिश करूं नेम हट जाए, और स्केप करूं या डिलीट कर दूं तो वापस नेम लिखा हुआ आ जाए। ओके तो नेम हो या यूजर आईडी हो, जो भी मैं यहां पे लिख देता हूं यूजर आईडी, और नीचे लिखता हूं पासवर्ड, इसको जो है मैं यहां सेंटर कर देता हूं सेंटर, और यहां कोई इंडेंट आपको दिख रहा होगा इंडेंट, क्लिक कीजिए और पॉइंट कर दीजिए, फिर इसके इसको छोटा आप एकदम कर दीजिए ताकि पता ना चले, ठीक है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा मैनुअल, ठीक है। इसकी बैकग्राउंड कलर भी कर देता हूं मैं एक बार, मैं इसका और इसका यहां पे, राइट क्लिक करता हूं फॉर्मेट सेल, मोटा वाला बॉर्डर लेता हूं, इसका कलर करता हूं व्हाइट, मैं मोटा वाला बॉर्डर को यहां रख देता हूं ऊपर में, ठीक है। अभी दिख रहा है जैसे मैं यहां पे लिखता हूं पूजा, गायब हो गया जी, लिखता हूं पूजा, और जैसे पूजा को डिलीट करता हूं वापस यूज़र आईडी आ रहा है। ओके इंदर डिलीट करता हूं यूज़र आईडी आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने जो डेटा डाला हुआ है इससे, क्योंकि किसी एक सेल के अंदर, कोई एक सेल के अंदर अगर कुछ टाइप आप करते हैं ना जी, तो अगर इस पे कुछ और टाइप करते हैं तो ओवरराइट हो जाता है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने टाइप यहां किया, मुझे टाइप यहां करना है, बट जो मैसेज देना है वो हमने इस वाले सेल में रखा, और यहां पे एक नेम का सिस्टम होता है उस पर क्लिक करके हमने प्लॉट उस सेल पे कर दिया। तो जैसे मैं इसमें कुछ टाइप करता हूं मेरा डेटा हेडर हो जाता है, इसमें है नंबर ऑलरेडी है, लीड नहीं हुआ है लेकिन इंडिविजुअल होगा, लेकिन जैसे मैं इसको हटाऊंगा वापस आ जाएगा, समझे? यस सर। बस ये विजुलाइजेशन करना होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं अगर किसी जगह से, किसी इंटरनेट से या कहीं से मैं कुछ डेटा कॉपी करता हूं, जैसे मान लीजिए कि इसी को हमने कॉपी कर लिया, इसको यहां पे मेरे एक्सेल शीट पर रखना है, तो एक बड़ा सा एरिया को सिलेक्ट करता हूं, यहां मर्ज कर देता हूं, फिर डबल क्लिक करके इसके ऊपर मैं पेस्ट एज ए वैल्यू कर देता हूं। तो क्यों हुआ पेस्ट एज ए वैल्यू? क्योंकि अगर मैं इसे नॉर्मल पेस्ट करूंगा तो मर्ज सेल में पेस्ट नहीं होगा, हमें यहां पर डबल क्लिक करके पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहां से हम इसको मर्ज करते हैं, सेंटर करते हैं, और यहां रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तब जाके एक जगह पे आता है। अब मान लीजिए यहां पे जो, मान लीजिए कि सिंपल जो वर्ड है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो डबल क्लिक करके मैं सिंपल को सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे, यहां स्टिक थ्रू होता है इसको कर देता हूं, और ज्यादा अच्छा दिखाना है तो इसकी कलर को रेड कर दीजिए, पता चल रहा है। लेकिन ऐसे सेम काम अगर मान लीजिए मुझे अगर किसी सेल की वैल्यू पे करनी हो, सेल पे करनी हो, जैसे यहां पे आपने कुछ सेल रखे हुए और सेल की वैल्यू पे करनी है,
आया जी। यहां पे अगर मैं सेम करता हूं कि यहां पे जाऊं और मैं स्टिक थ्रू कर दूं तो उतना कारगर नहीं होगा। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम यहां नंबर फॉर्मेट में आते हैं और जाते हैं बॉर्डर में, सॉरी यहां बॉर्डर में। कलर भले ही मैं चेंज कर सकता हूं, रेड कलर ले लिया। और F4 करने से क्या होता है, लास्ट एक्शन रिपीट होता है। अब सही का निशान लगाना हो तो क्या होगा, फॉर्मेट से लगाएंगे, फिर यहां पे कलर आता है, यहां पे मैं इसको लेता हूं और ये सिलेक्ट कर लिया एंड ओके। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि फॉर्मेटिंग के कभी भी फॉर्मेटिंग को हम लोग कॉल नहीं कर सकते, इसके बिहाफ पे कोई कंडीशन लगा सकते, फिल्टर नहीं लगा सकते। तो हमें सेम तरह का फीचर चाहिए लेकिन हम उस पर कुछ फॉर्मेटिंग कर सकें। उसके लिए यहाँ पे हम कैप्स में पी को लिखते हैं, ठीक है, और फिर इसके ऊपर हम राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, नहीं फॉर्मेट से नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक बाइंडिंग टू नाम का फॉन्ट होता है, बेडिंग टू या बाइंडिंग टू, वो क्या करता है कि पी को कन्वर्ट कर देता है टिक के निशान में, स्लाइड के निशान में, और क्रॉस को ओल कर देते, ओ करते हैं तो क्रॉस हो जाता है। तो ये आपका विजुअल है लेकिन एक्चुअल तो पी और ए है। कंडीशन लगानी हो, फिल्टर लगानी है तो आप ओ और पी पे लगा सकते हो, लेकिन ये तो दिस इज पार्ट ऑफ द विंडो, जो फॉन्ट आपने बाइंडिंग टू यूज किया है ये विंडो का पार्ट है, ये एक्सेल का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ विंडो का पार्ट है। तो अगर आपको मान लीजिए किसी विंडो में या किसी तरह की डेटा में अगर लेबल नहीं हुआ फॉन्ट तो क्या होगा, तो कैप्स में जे को लिखिए और इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और इसको -45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दीजिए और क्रॉस के लिए तो एक्स है। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि जो हमने एंगल चेंज किया क्या इसका यूज इसी चीजों में होता है? जी नहीं, इसका यूज और चीजों में होता है। जैसे कि एक छोटा सा डेटा हम आपके सामने बना रहे हैं, मैं यहां पे नेम लिखता हूं और यहां पे मैं डेट लिखता हूं, लेटर है लिखो एबीसी को, इसको मुझे एक पेज पे प्रिंट लेना है, नहीं ले पाऊंगा। मैं एक बार प्रिंट करता हूं, देख लीजिए, मैं इसको लैंडस्केप को, पोर्ट्रेट को लैंडस्केप कर देता हूं, फिर भी नहीं हो पाएगा। मैं इसकी नॉर्मल मार्जिन को नैरो मार्जिन कर देता हूं, फिर भी हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉलम बड़ा है, एक एक पेपर की विड्थ फिक्स होती है ना। अब मुझे इसको छोटा, बहुत छोटा करना पड़ेगा, फिर जाके फिक्स होगा, अब प्रॉब्लम होगी, फिर रीडिंग में नहीं आएगी, फिर उसको जो है लेंस लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा हेडिंग ही काफी बड़ा है, डेटा नॉर्मल है, छोटा है, तो हमने हेडिंग को सिलेक्ट किया और ऊपर हमारे पास होता है यहाँ पे एंगल चेंज करने का, यहां से मैंने इसको
90 डिग्री के एंगल पे चेंज कर दिया। अब पूरे सीट को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूं, ठीक है। अब प्रिंट हो जाएगा और विजुअल भी है, रीडेबल भी है। उसी तरीके से अब यहां पे रैप टेक्स्ट की बात हो रही थी, तो मैंने भी 10 मिनट पहले बताया कि यहां पे मैं सुजीत कुमार लिख रहा हूं, तो इसमें हम यहां से रैप करते हैं तो रैप हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से रैप हो, तो ऑल्ट एंटर प्रेस कर सकते हैं। जैसे ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे कर्सर वहां से टूट के नीचे आ जाएगा, लेकिन मैं रैप करना नहीं चाहता, मैं कॉलम को डबल क्लिक करके ऑटो फिट मतलब कि बड़ा करना भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं जितना बड़ा कॉलम का साइज है उतना बड़ा में फिट हो जाए। यहां श्रिंक टू फिट करते हैं, ठीक है। बाकी मर्ज तो पता ही आपको, मर्ज कैसे करते हैं, मर्ज में एक मर्ज एक क्रॉस है, क्रॉस करते हैं। अगला आता है नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको हम अगली